हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको फिर से लेकर चल रही हूँ गली बताशे वाली में, आपकी भारी डिमांड पर। मैंने पहले एक वीडियो डाली थी गली बताशे वाली की और उसमें इतना अच्छा रिस्पांस आया और लोगों ने कहा कि हमें गली बताशे वाली की और सैर कराइए कि वहाँ पर क्या क्या मिलता है और उसके रेट क्या है। तो चलिए चलते हैं गली बताशे वाली, पुरानी दिल्ली, दिल्ली 6 की सैर पर। फ्रेंड्स, मैं इस समय खड़ी हूँ फतेहपुरी के चौराहे पर और फतेहपुरी पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करके आई हूँ। यहाँ से सीधा जाऊँगी तो यहाँ पर लाहौरी गेट आ जाएगा और मैं इस साइड से आई हूँ और मुझे जाना है यहाँ से बिल्कुल सीधा। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर उतरिए, गेट नंबर 5 से बाहर निकलिए और वहाँ से रिक्शा ले लीजिए और बोल दीजिए रिक्शे वाले को कि मुझे जाना है गली बताशे वाली। वो आपसे 10 या 15 रुपये लेगा और आपको गली बताशे वाली के बाहर छोड़ देगा। फतेहपुरी चौराहे से आप पैदल भी जा सकते हैं। कुछ ही मीटर की दूरी पर उल्टे हाथ को पड़ती है गली बताशे वाली, आप घूमते हुए जाइए, आपको बहुत मजा आएगा। फतेहपुरी चौराहे से बिल्कुल सीधा सीधा आपको आगे बढ़ते जाना है और 5 मिनट की वॉक के बाद उल्टे हाथ को पड़ती है गली बताशे वाली। कुछ लोगों ने भारी डिमांड की थी, मैडम हमें कुछ पैकिंग का काम कराना है, गत्ते छपवाने हैं या स्टिकर छपवाना है, उसके बारे में हमें बताइए, हम कहाँ से छपवा सकते हैं। तो उसकी मैंने पूरी एक वीडियो बनाकर डाली है कि आप पैकिंग का काम कहाँ से करा सकते हैं। रोजमर्रा में काम आने वाला सामान जैसे नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, टूथपेस्ट, कॉफ़ी, चाय पत्ती आप यहाँ पर से होलसेल रेट में, बहुत ही अच्छे रेट में यहाँ से ले सकते हैं। इतने अच्छे रेट में कि आपको यकीन ही नहीं होगा। यहाँ तक कि ब्रांडेड सामान जैसे मैगी, टमाटो केचप, किसान का, ये सब भी आप बहुत अच्छे, बहुत सस्ते रेट में ले सकते हैं। स्कॉच ब्राइट, रिन की बट्टियाँ, गुड़, सौंफ, गरम मसाला, खड़े मसाले, लौंग, इलायची बहुत ही सस्ते दाम पर यहाँ पर ले सकते हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी है, रेट बहुत कम है। मैं इस वीडियो में ना तो सिर्फ आपको सभी सामान दिखाऊंगी बल्कि बहुत सारे सामान के रेट भी बताऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। लेकिन अगर आप होलसेल का काम करते हैं तो आपको यहीं पर ही आकर इनसे इंक्वायरी करनी होगी। सब चीज 50 और ये चीनी 40 और ये व्हाइट वाली 41। हींग की गोलियां हैं ये 70 रुपए का पैकेट दे रहे हैं, 70 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के पैकेट होते हैं। और ये गले बताशे वाली है जहाँ पर की ये होलसेल के रेट है। आम पापड़ भी है, सारा 80 रुपए किलो है। और ये बड़ी इलायची 160 रुपए किलो है। ये मिश्री है 70 रुपए किलो, धागे वाली मिश्री है, यही चिरौंजी है ना ये, इलायची है। और ये क्या भाव है भैया? यहाँ सस्ते हैं, मैंने बाहर से लिए हैं 650 रुपए किलो, 80 रुपए किलो है काला गुड़। गली बताशे वाली की पतली संकरी गलियों में से हम चलते हैं। यहाँ पर बिस्किट मिल रहे हैं, आटे के भी हैं। यहाँ पर दोनों तरफ दुकानें हैं और हम दोनों तरफ की दुकानें देखते हुए और रेट पूछते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। सामान पर कैड़ी नजर रखिएगा और देखिएगा कि आपको क्या लेना है। ये मिश्री क्या भाव है भैया? और ये धागे वाली भी आती है ना? धागे वाली 70 रुपए। और ये खांड 50। और ये क्या है? ये क्या भाव? 50। ये 50 रुपए। और ये भी 50 रुपए। और ये भी 50 रुपए। और ये 50। सब चीज 50। और ये चीनी 40। चीनी 40। और ये व्हाइट वाली 41। ये 41 रुपए है और ये 40 रुपए किलो है। यहाँ पर आप हींग की गोलियां हैं ये 70 रुपए का पैकेट दे रहे हैं, ये भी खरीद सकते हैं। और ये अनार दाना की गोली है, इस तरह की गोली है। और लाल जीरा और इस तरह की चीजें हैं यहाँ पर, टॉफियां। और ये सौंफ के पैकेट कितने के? इनके अलग अलग रेट है, मतलब ये 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के पैकेट होते होंगे। 70 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के पैकेट होते हैं। इस तरह की टॉफियां भी मिल सकती हैं आपको और गोलियां भी मिल सकती हैं। टॉफी सौंफ के पैकेट 1-1 किलो के जो 70 रुपए के मिल रहे हैं बाजार में, वही आपको 100 रुपए की 50 ग्राम की डब्बियां मिलती हैं। चीनी, खांड और बूरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, रेट भी बहुत कम है। इसके अलावा यही चीजें आपको यहाँ पर पैकिंग में भी मिल रही हैं, छोटे डब्बों में। 100 रुपए किलो से यहाँ पर आम पापड़ मिल रहा है, काला आम पापड़ 70 रुपए किलो है। टॉफी गोलियों की आप 1 किलो की पैकिंग भी ले जा सकते हैं। यहाँ पर 250 ग्राम और 1/2 किलो की पैकिंग में भी यही सामान है। आप बाजार में इसे बेचकर कम से कम 6 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। क्या रेट है भैया? सब 80 रुपए किलो।
सारा 80 रुपए किलो है। और ये बड़ी इलायची 1000 रुपए, 1000 रुपए किलो। और ये क्या है? ये फ्राई करने वाला। अच्छा, चावल की। ये क्या भाव? 160 रुपए किलो। 160 रुपए किलो है। और ये सारा का सारा 70 रुपए किलो है। और ये बड़ी इलायची 1000 रुपए किलो है। ये वाली मिश्री क्या भाव है? ये 70 रुपए किलो है। भैया 1 किलो दे दो। ये मिश्री है 70 रुपए किलो, धागे वाली मिश्री है, यही खानी चाहिए हमें, यही वाली। ब्रांडेड जूस और शरबत की बोतलें यहाँ पर बाजार रेट से 70% कम रेट में मिल रही हैं। टॉफी के पैकेट और सूखे आंवले के पैकेट बाजार रेट से 60% कम रेट में यहाँ पर मिल रहे हैं। सूखी इमली जो चटनी बनाने के काम आती है वो यहाँ पर 70 रुपए किलो मिल रही है, जो बाजार में 200 रुपए किलो है। 160 रुपए की 100 ग्राम चिरौंजी है ना ये? हाँ। और 240 रुपए की 100 ग्राम छोटी इलायची है। ये 200 रुपए की है। लौंग का रेट क्या है? 140 रुपए की 100 ग्राम। 140 रुपए की 100 ग्राम है। ये गुड़ है। और ये क्या भाव है भैया? 80 रुपए। ये 80 रुपए किलो है। ये 70 रुपए किलो है। ये 1000 रुपए किलो। काली मिर्च 680 रुपए किलो। सौंफ 240 रुपए किलो है। और धनिया 200 रुपए किलो है। और ये दालचीनी हर खारी बावली थोक मार्केट से मैंने दालचीनी जो 1200 रुपए किलो ली है यहाँ पर 800 रुपए किलो मिल रही है। और ये 80 रुपए का 100 ग्राम है। ये 80 रुपए का 100 ग्राम है दालचीनी। खजूर है 280 रुपए का। किशमिश 280 रुपए किलो। और बादाम है 600 रुपए किलो। यहाँ सस्ते हैं, मैंने बाहर से लिए हैं 650 रुपए किलो। 680 रुपए किलो ये वाले बादाम है। और ये 320 रुपए किलो है। ये लंबी वाली है 360 रुपए किलो। और ये ऑस्ट्रेलियन है 720 रुपए किलो। और अखरोट 1200 रुपए किलो। और काजू है 2 टुकड़ा 740 रुपए किलो। साबुत अखरोट है 680 रुपए किलो। तो रेट बहुत बढ़िया है यहाँ पर जो भी मिल रहे हैं। ये 800 रुपए किलो जो काजू है ये मैंने बाहर से 1200 रुपए किलो लिया है। और ये मगजगिरी है ये 560 रुपए किलो है। और ये 920 रुपए किलो ये मैंगलोर का जो काजू है ना ये बाहर 1100-1200 रुपए मिल रहा है होलसेल में भी। यहाँ सस्ता है रेट। भैया ये गुड़ का रेट क्या बताया था आपने? ये 80 रुपए किलो है काला गुड़। 600 रुपए किलो। यहाँ पर टॉफियाँ भी मिलती हैं, अगर आप टॉफी टैंग इस तरह की सामान लेना चाहें। जेली है। बाजार रेट से आधी कीमत पर यहाँ पर सामान मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि आपको एक पैकेट या दो पैकेट नहीं मिलेंगे, वो भी आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं, होलसेल का काम करना चाहते हैं, तो आपको डिस्काउंट और भी ज्यादा मिलेगा। ये कॉफी जो मैंने यहाँ से 450 रुपए में खरीदी है बाजार में 650 रुपए की मिल रही है। नेस्कैफे जैसे बड़े ब्रांड्स पर 50% डिस्काउंट तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर इस तरह की रिटेल शॉप्स भी हैं जहाँ पर आप जैम, जेली, सॉस, साबुन, सर्फ, स्कॉच ब्राइट वगैरह भी बहुत कम रेट पर यहाँ पर ले सकते हैं। जो सामान आपको बाहर 500 रुपए का मिलता है वो यहाँ पर आपको 350 रुपए का मिल जाएगा। रेजर, डियो, इस तरह का सामान भी यहाँ पर मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आप कहेंगे कि दुकानदारों के नंबर, फोन नंबर या एड्रेस बताने की, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर गिनी चुनी ही दुकानें हैं। और अगर आप व्यापारी आदमी हैं तो आपको एक बार 1 घंटा लगाकर ये पूरी मार्केट का चक्कर लगाना होगा, ताकि आप 2-4 बिजनेसमैन से बात करके अपने रेट सेट करके यहाँ से सामान ले जा सकें। आप दिल्ली के किसी भी कोने में रहते हो, यहाँ से चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन उतरिए और 15 रुपए रिक्शे वाले को देकर 50 रुपए खर्च करके आप यहाँ पर इस मार्केट में आसानी से पहुँच सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए होलसेल रेट में यहाँ से सामान ले जाइए और रिटेल में बेचिए, बहुत ज्यादा मुनाफा मिलेगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें और एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।